इस बीच बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पटना में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे में गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी, प्लानिंग थी, और इसके लिए 15 दिनों से संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। 12 जुलाई को पीएम मोदी ने पटना का दौरा किया था, आपको याद होगा, और इससे ठीक पहले पटना पुलिस ने एक मकान पर रेड डालकर आतंक की इस फैक्ट्री को बेनकाब कर दिया है। इस पूरे मामले में फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका कनेक्शन पीएफआई से बताया जा रहा है। ये 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने के गुप्त मिशन पर भी काम कर रहे थे। पटना में साजिश का, टेरर का ये मॉड्यूल का ये पूरा खुलासा, और ये अपने आप में बड़ी खबर। पीएफआई के टारगेट पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसके लगातार तह तक जाने के लिए एजेंसियां जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है, सरकार की नजर है। 3 आरोपियों को आपको बता दें, दानिश अरमान मलिक, शबीर आलम की भी गिरफ्तारी हुई है, और आतंकी मॉड्यूल केस में अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी रोहित की एक रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, आप नजर डालें। हम आपको बताएं कि अब आपको हम दिखाते हैं बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या क्या वहां से जब्त किया गया है उस कमरे से जो कि आतंक का ट्रेनिंग सेंटर है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पीएफआई के जो है वो झंडे हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये आप देखिए पीएफआई का बहुत सारे झंडे जो है वहां से पुलिस ने जो है वो जब्त किया है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर उर्दू में बहुत सारे, यहाँ पे देखिए एसडीपीआई के, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ये देखिए उर्दू में बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं जो एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे एसडीपीआई के जो मेंबरशिप फॉर्म्स भी जो हैं वहाँ पे, अगर आप एसडीपीआई ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बकायदा जो है वो फॉर्म्स जो है वो कहाँ से मिल सकता है, वो सब देखिए। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं उर्दू में है। देखिए ये यहाँ पे देखिए एसडीपीआई का मैनिफेस्टो जो है वो वहां से मिला है उस कमरे से। तो बहुत सारी चीजें हैं, झंडे हैं, पैम्फलेट हैं, एसडीपीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं जो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि वहां जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था वहां पे किस तरीके से लोगों को जो है बरगलाया जा रहा था, हिंदुओं के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि उनको बरगलाया जा रहा था। यहाँ पे देखिए, अब जो 6 और 7 तारीख की बैठक की जो बात हो रही थी, जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, देखिए बहुत सारी यहाँ लॉकशीट्स भी हैं, बहुत सारा लॉकशीट यहाँ मेंटेन किया जाता था कि कौन कौन उस बैठक में है, कहाँ कहाँ से आते थे, ये सब जो है इसमें जो है वो जिक्र किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए एसडीपीआई से जुड़े जो दस्तावेज हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं पुलिस को यहाँ पर मिली हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण हम आपको दिखा रहे थे वो देखिए पीएफआई का झंडा जो है, ये आप देख लीजिए, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएफआई का झंडा काफी सारी संख्या में उस ट्रेनिंग सेंटर से मिला है जिसे हम आतंक की पाठशाला कह रहे हैं। और ये रहा देखिए, जो मैं खोज रहा था, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखिए, अगर आप एसडीपीआई में शामिल होना चाहते हैं तो मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसमें जानकारी भरनी है अपनी और आप शामिल हो सकते हैं एसडीपीआई बिहार में। तो आप नेहा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश जो है वो बिहार में जो है वो रची जा रही थी पीएफआई के द्वारा, एसडीपीआई के द्वारा। और पुलिस ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए कि बहुत बड़ा जब मॉड्यूल जो आतंक का जो तैयार हो रहा था वहां पे उसका भंडाफोड़ किया है। लेकिन जांच समाप्त नहीं है, जांच की ये बहुत शुरुआती स्तर पर ये जो है पूरी जांच चल रही है और आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरफ्तारियां संभव है।